साथियों, आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए देश ने अब अपने लक्ष्यों को और विस्तार किया है। आज आजादी के अमृत काल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, यानी हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गांव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकारी की बीमा की व्यवस्था का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले, ये हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। इसी तरह हर जिले को अगले 2 सालों के लिए अपना एक विजन तय करना चाहिए। आप ऐसे कोई भी 10 काम तय कर सकते हैं जिन्हें अगले 3 महीनों में पूरा किया जा सके और उनसे सामान्य मानवी की ईज ऑफ लिविंग बढ़े। इसी तरह कोई 5 टास्क ऐसे तय करें जिन्हें आप आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर पूरा करें। ये काम इस ऐतिहासिक कालखंड में आपकी, आपके जिले के लोगों की ऐतिहासिक उपलब्धियां बननी चाहिए। जिस तरह देश आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही जिले में आप ब्लॉक लेवल पर अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपको जिस जिले की जिम्मेदारी मिली है आप उसकी खूबियों को भी जरूर पहचाने, उनसे जुड़े। इन खूबियों में ही जिले का पोटेंशियल छिपा होता है। आपने देखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिले की खूबियों पर ही आधारित है। आपके लिए एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है, यानी वोकल फॉर लोकल का मंत्र आप अपने जिलों पर भी लागू करिए। इसके लिए आपको जिले के पारंपरिक प्रोडक्ट्स को, पहचान को, स्किल को पहचानना होगा और वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक साइलेंट रिवॉल्यूशन का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन जिलों की प्रगति अपेक्षा से धीमी आई है उनके डीएम्स को, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स को विशेष प्रयास करना होगा। मैं नीति आयोग को भी कहूंगा कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे सभी जिलों के डीएम्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे, हर जिला एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहां लागू कर सके। केंद्र के सभी मंत्रालय भी उन सभी चैलेंजेस को डॉक्यूमेंट करें जो अलग अलग जिलों के सामने आ रहे हैं। ये भी देखें कि इसमें पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान से कैसे मदद मिल सकती है।